खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक शाखा लखनातून के सेक्टर गणेशगंज अंतर्गत आने वाले समस्त शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के द्वारा अपने विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर गणेशगंज के बाजार चौक में बने रंगमंच में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की पुरानी पेंशन बहाल करने और अनुकंपा नियुक्ति तथा अन्य विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया जो अनिश्चितकालीन है, जिसमें बड़ी संख्या में गणेशगंज सेक्टर के समस्त शिक्षकगण मौजूद है। सर, आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा, किन मांगों को लेकर किया जा रहा और ये कब तक जारी रहेगा? क्या कुछ दिशा निर्देश प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त हुए? हमारी तो मुख्य मांग है पुरानी पेंशन बहाली और अनुकंपा नियुक्ति। मुख्य हम दो मांगों पर फोकस कर रहे हैं, इसके अलावा है क्रमोन्नति, पदोन्नति, समय मान, वेतनमान, ये अन्य मांगे हैं, लेकिन हमारा मुख्य फोकस है पुरानी पेंशन बहाली और अनुकंपा नियुक्ति। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा विगत वर्षों में भी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन धरना प्रदर्शन दिया गया है जो कि अभी तक पूर्ण नहीं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम लोगों ने पदयात्रा भी की थी कि बच्चों का भविष्य में मतलब नुकसान ना हो, इस कारण से हम लोगों ने ग्रीष्मकालीन में पदयात्रा की थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया और मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन उन लोगों से अनुरोध किया गया है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, मजबूरन हम लोगों को ये रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। अभी भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, आगे आपकी आश्वासन नहीं मिलता है या कोई मांग पूरी नहीं होती, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। आप बताओ, धरना प्रदर्शन चालू रहेगा, इसके लिए चाहे वो कितने ही समय लगे, यदि इसके अलावा भी यदि वो नहीं करते हैं तो फिर इसके आगे हम आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। यहाँ गणेशगंज सेक्टर के कितने शिक्षक होंगे ऐसे जो कि यहाँ पे से कितने स्कूल के कितने शिक्षक हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल हैं? 40 स्कूल के पूरे शिक्षक, 40 स्कूल हैं यहाँ, 40 स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं अध्यापक संवर्ग के, वो सभी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हैं। आपका क्या शुभ नाम है और क्या पद है, किस स्कूल से अध्ययनरत है? मेरा नाम शिव कुमार राजपूत है, शासकीय कन्या हाई स्कूल गणेशगंज से हूँ, माध्यमिक शिक्षक। आप धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? पुरानी पेंशन बहाली हो, इसलिए धरना प्रदर्शन में बैठे। आगे और क्या रूपरेखा रहेगी? अगर वो ये मांग पूरी नहीं करते हैं तो इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और अनशन भी जारी कर सकते हैं। लखनादौन से नीके लाल अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.